हेलो एवरीवन, मैं दीपा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों के बारे में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू प्लांट शॉपिंग सीरीज का ही एक वीडियो, जहाँ मैं बताऊँगी आपको कि मैंने कौन कौन से प्लांट की शॉपिंग की है और उनकी क्या कीमत मुझे पड़ी है, ताकि आप जान सकें कि कौन कौन से प्लांट अवेलेबल हैं और वो क्या प्राइस पे मिल रहे हैं। आखिर तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। We love so fully, but I'm afraid to forget. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांटर्स की। ये बड़े वाला कंटेनर जैसा प्लांटर मुझे मिला है 40 रुपीज का, ये मीडियम साइज का है। और इसके बाद थोड़ा छोटा कंटेनर जो मैंने लिया है प्लांटर, वो मिला है मुझे 20 रुपीज का। और मैंने एक और प्लांटर खरीदा है ब्लैक कलर में जो है, आप देखिए, ये भी मुझे 20 रुपीज का मिला है। आप देख सकते हैं ये छोटा है, लेकिन इसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं। ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी उसमें से ड्रेन आउट हो जाए। इस तरह से मैंने ये 3 साइज़ के खरीदे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये मैंने छोटा सा प्लांट लिया है क्रिसेंथेमम का, यानी गुलदावदी का। ये एक विंटर प्लांट है, सर्दियों में ढेर फूल आते हैं। और इसकी सबसे अच्छी एक बात ये है कि इसका एक फूल कम से कम 1 महीने तक खिला रहता है। आप ये देखिए, ये बुशी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और ये मुझे 15 रुपये का मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक चिली का प्लांट है और इसकी चिली का जो कलर होगा वो ऑफ वाइट होगा। ये छोटा सा पौधा है, ये मुझे 40 रुपीज़ का मिला है। बहुत खूबसूरत है और इसकी तेज़ मिर्चें निकलेंगी, यानी मिर्चें बहुत तेज़ होंगी। ये देखिए, इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है, यानी इसमें कलियाँ आई हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर बड्स में से चिली बनेगी। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रियो का प्लांट है। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती हैं, ऊपर से ये ग्रीनिश है। ये देखिए इसकी जो लीव्स हैं, और आप इसकी बैक साइड से लीव देखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत हैं, वो पर्पल शेड की हैं। और ये साइड में से बेबी पप्स निकालता है, ये पूरा जो प्लांटर है ये उससे भर जाता है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत लीव वाला प्लांटर, ये मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा है। ये बहुत खूबसूरत है, आप चाहें तो इसको इंडोर में भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ, ये एक और मेरे को क्रिसेंथेमम का प्लांट मिला है और मुझे इसका हल्का सा शेड दिख रहा था कि इसमें पर्पल फ्लावरिंग होगी। ये बहुत खूबसूरत है, इसकी बड्स देखिए कितनी खूबसूरत हैं। और इसकी एक अच्छी चीज़ यही है कि ये प्लांट जो होता है ये बहुत सर्दियों का प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जो 1 महीने तक होती रहती है, यानी इसका खिला हुआ कोई भी एक फूल वो 1 महीने से पहले ख़राब नहीं होता है। ये बहुत खूबसूरत है और ये मुझे 40 रुपये ईच पड़ा है। ऐसे मैंने 3 पौधे खरीदे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोंग ऑफ इंडिया की। छोटा सा ये प्लांट है, ये देखिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे एक छोटे से प्लांट को जो मैंने खरीदा है, इसमें मुझे 2 पौधे मिले हैं। ये देखिए, एक यहाँ पर है और एक दूसरा है। मैं ये इतना बुशी है कि मैं इसमें से 2 प्लांट तैयार करूँगी और 2 गमलों में इसको मैं लगाने वाली हूँ। ये मुझे 50 रुपये का मिला है, लेकिन अब जब मैं 2 प्लांटर तैयार कर लूँगी तो मुझे ये डेफिनेटली पड़ेगा आप 25 25 का। और ये देखिए, ये क्रिसेंथेमम का और दूसरा शेड जो मैंने खरीदा है, ये भी बहुत खूबसूरत है। हालांकि अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता चल रहा है कि ये ऑफ वाइट होगा। ये इस तरह से मैंने 2 ये खरीदे हैं, इनका कलर अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वाइट लग रहा है मुझे। और ये कलियों से भरा हुआ क्रिसेंथेमम देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, खूब अच्छे सारे विंटर में फ्लावर आएंगे इसमें। ये भी मुझे 40 रुपीज का मिला है, मैंने ऐसे से 3 परचेज करे हैं। सच में ये बहुत अच्छा होने वाला है, इस बार विंटर में भर भर के फ्लावर आएंगे और ये बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मैंने खरीदी हैं कुछ पौध टमाटर की। ये देखिए, हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन कुछ प्लांट तो इसमें से सर्वाइव कर ही जाएंगे। और नेक्स्ट है ये फ्लावरिंग है, इसने बोला उसमें ब्लू कलर के फ्लावर आएंगे, ये बहुत खूबसूरत फ्लावर लगने वाले हैं। अगर लग जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं लगते तो कोई बात नहीं। ये मुझे 15 रुपये का मिला है और दोनों मुझे 30 रुपये के मिले हैं। देखते हैं क्या होता है, लगा के ट्राई करते हैं, अगर लग जाते तो बहुत बढ़िया बात है।
और नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, मैंने परचेज करे हैं अनियन के सीड, ये मुझे 20 रुपए का एक मिला है। इस बार मैं अनियन भी ट्राई करने वाली हूँ, और साथ में मैंने पीज के भी ट्राई किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।